हमारे साथ दासना जेल की महिला सेल की इंचार्ज पुष्पा जी मौजूद हैं। पुष्पा जी, कल जब फैसला आया नुपुर तलवार, क्योंकि आप उनसे अक्सर मिलती होंगी, क्या रिएक्शन रहा, किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को? बहुत अच्छी रही, बहुत खुशी हो गई। जैसे ही जजमेंट आया बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब 4 साल बाद जो इंसान घर जाएगा, जजमेंट आया, खुशी तो होती है ही अपने घर जाने की, लेकिन घर जाने के साथ साथ दुखी भी थी वो कि मेरी बेटी दुनिया से चली गई, अब मैं घर में कैसे रहूँगी, तो परेशान भी थी। खुशी जितनी जाने की खुशी नहीं थी, उतनी बेटी का दुख था उनको, और बहुत परेशान थी। 4 साल तक वो यहाँ पर रही, उनका बिहेवियर बर्ताव बाकियों के साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या उनकी दिनचर्या में क्या कुछ होता था? उनकी दिनचर्या में कुछ नहीं, सुबह नहा धो के उठती थी, अपना पूजा पाठ करती थी, कोई मरीज महिला के डांट दांत में दर्द, उनको दवाई वाई देती थी, बस यही काम था उनका। जी, यहाँ पर जितने भी फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, दशहरा पड़ता है, उस वक्त उनका रिएक्शन, बर्ताव किस तरीके का रहता था? बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो मनाती नहीं थी, वो परेशान रहती थी हर त्योहार पे, कोई त्योहार नहीं मनाया उन्होंने। अपनी बेटी के लिए मैंने सुना वो व्रत रखती थी। जी जी, व्रत काली अगोई अष्टमी का रखती थी बेटी के लिए। कल भी उन्होंने व्रत रखा होगा? जी, कल भी व्रत रखा था, और जो है पूजा पाठ किया उन्होंने, और उन्होंने कहा मेरी बेटी नहीं मेरी सुनी है, और मुझे बरी करा दिया। अब वो उन्होंने कुछ ये भी कहा कि वो बाहर आएंगी तो क्या करेंगी, क्या कुछ अपनी बेटी के कातिलों को जेल के अंदर भिजवाएंगी और उनसे बदला लेके रहेंगी। आज सुबह उनसे आपकी मुलाकात हुई? जी जी, अभी मिलके आ रही हूँ, और उन्होंने कहा कि बाहर निकलने के बाद भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। ये थी पुष्पा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नुपुर तलवार इस फैसले के बाद खुश तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का गम भी है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, और जेल से वो बाहर निकलेंगी भी तो वो कमी बरकरार रहेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि नुपुर तलवार ने ये भी कहा है कि बाहर निकलकर अपने बेटी के कातिलों को सजा जरूर दिलाएंगी। इसमें गाजियाबाद से कैमरामैन ललन के साथ मैं प्रीति पांडे।